मेरा नाम उमर बिन यूसुफ है। मैं राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन हूँ और मैं सिंध से मेरा ताल्लुक़ है। मुझे यहाँ पर मेरे टीममेट्स मुझे एज अ चीकू के नाम से बुलाते हैं। आई थिंक मेरा जो फेवरेट बैट्समैन है वो विराट कोहली है, तो उसका भी कुछ निकनेम यही रखा गया था, तो इस हिसाब से मुझे भी लोग टीममेट्स असद शफीक ने मेरा ये नाम रखा गया था डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, तो वहाँ से काफ़ी लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। मैं बचपन से क्रिकेट का बहुत शौकीन था, टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे मैं अपने भाई के साथ, अपने स्ट्रीट्स में खेलता था। आहिस्ता आहिस्ता वो, क्योंकि स्कूल के साथ बड़ा मुश्किल होता था शुरू में खेलना, लेकिन जैसे ही मेरा अपना मैंने ओवर लेवल्स किया, जैसे ही मेरा ओवर लेवल्स ख़त्म हुआ तो मैंने अंडर 17 के ट्रायल्स दिए थे, जिसमें मेरा अंडर 17 के अंदर जोनल के नाम आया था, वहाँ पर मेरा बेस्ट बैट्समैन बना था। तो वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं लगने शुरू हुआ कि एक प्रोफेशनल स्टडीज़ अगर मुझे करनी हो तो उसमें टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेलनी है तो उसके लिए मुझे अलग टाइम देना पड़ेगा, तो इनमें से मुझे एक चीज़ चूज़ करनी थी। तो आई थिंक जो मेरा पैशन था वो क्रिकेट ही था, तो मैं इस जर्नी में लग गया। और वहाँ से फिर मैंने अंडर 19 जो पीसीबी की फ़र्स्ट टूर्नामेंट था 19 जोनल, वहाँ से स्टार्ट किया मैंने और वहाँ से कराची से खेला। फिर इसके बाद मैं पाकिस्तान अंडर 19 में मेरा नाम आया एशिया कप के लिए। फिर इसके बाद जर्नीज में ड्रॉप हो गया था वर्ल्ड कप के लिए। फिर वापस मेरा फर्स्ट क्लास में डेब्यू हुआ, मैंने फ़र्स्ट क्लास में 100 किया, वहाँ से मेरे फर्स्ट क्लास की जर्नी शुरू हो गई, प्रोफेशनल एज ग्रुप से ऊपर आ गया। फिर इसके बाद मेरा इमर्जिंग कप में नाम आया था पाकिस्तान इमर्जिंग कप में, वहाँ भी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। फिर इसी तरह डोमेस्टिक में काफ़ी टाइम से खेले जा रहा हूँ और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रह रही है। और फिर इस तरह मेरा पाकिस्तान शाहीन में नाम आया, उधर भी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं इधर पाकिस्तान कैंप के लिए मुझे चूज़ किया गया। मैं शुरू से जो बैट्समैन को देखता हूँ वो विलियमसन है और विराट कोहली और बाबर आजम, ये तीन मेरे जो फेवरेट बैट्समैन को जिनको मैं देख के उन्हीं से अपनी बैटिंग इम्प्रूव करता हूँ। मेरे अंडर 19 से कोच रहे हैं मोहम्मद मसरूर, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, जब मुझे ज़रूरत पड़ी है उनको मैंने बुलाया है, जब मैंने जब वो नहीं भी, मैं टूर्स पे भी होता हूँ तो उनसे मेरा फ़ोन पे बात होती है। मेन रोल जो मेरा मोहम्मद मसरूर का रहा है वो मुझे अभी भी रिसेंटली प्रैक्टिस करवाते रहे, अभी मैं यहाँ कैंप में आया उससे पहले ही मुझे काफ़ी प्रैक्टिस करवाते गए। वो एक अहम रोल है मेरे लिए, एक यंग क्रिकेटर्स के लिए अगर आपको कोप अप करना है एक इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, आपको सर्वाइव करना है तो आपको नई चीज़ें अडॉप्ट करनी आनी चाहिए। और जैसे ही क्रिकेट चल रही है तो हाँ, मेरा भी यही गोल है कि मैं अपनी स्किल को हर एक सीज़न जब भी प्रैक्टिस करूँ तो कुछ ना कुछ मैं अपनी स्किल में ऐड करता रहूँ। तो इसी तरह मेरी जो इंटरनेशनल सर्किट में मैं जाऊँ तो एज़ अ फुल पैकेज बन के जाऊँ, ना कि मैं थोड़ा सा कहीं मैं मेरी कमी रहे। तो हर दफ़ा मेरी यही कोशिश होती है कि अपने आप को इम्प्रूव करूँ, कोई नई स्किल डेवलप करूँ। अदर देन क्रिकेट मैं कोशिश करता हूँ, आउटिंग मुझे ज़्यादा पसंद है, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना, खाना खाना। और अगर इन रूम की बात की जाए इनडोर, तो मैं प्ले स्टेशन अपने साथ लेके जाता हूँ, प्ले स्टेशन में खेलता हूँ, डिफरेंट गेम्स खेलता हूँ, तो इस तरह मेरा टाइम पास होता है क्रिकेट के अलावा।